तो हिंदी गेमर्स कैसे हो आप सभी। मैं आपका गेमर बड़ी अर्पित फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी गेमर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज अपन कोई सा मिशन कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था आज अपन एक खुराफाती करने वाले हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सीक्रेट प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे यूएफओ होता है वेगस क्राइम सिम्युलेटर में, एंड देखेंगे कि कहीं यूएफओ के अंदर जाने की जगह तो नहीं है, या यूएफओ के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट वगैरह थे या वो कार वगैरह थी वो कौन थे, क्या वो कार भी ट्रांसफॉर्मर्स थी, क्या वो हमसे लड़ेंगे, क्या हम उनको मार पाएंगे, या क्या होगा वहाँ पे, या कोई घर वगैरह है कुछ भी है, तो वो अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं जो है नई ड्रेस यहाँ पे इक्विप कर रहा हूँ, तो ये मैंने खरीद ली है नई ड्रेस शॉप में से, तो बहुत अमेजिंग वीडियो यहाँ पे ये होने वाला है। तो बने रहिए यार वीडियो को जो है शुरू से लेके एंड तक पूरा देखने का, एंड मेरे को कमेंट करके बताने का कि किसने एंड तक वीडियो को देखा। तो देखो यहाँ पे क्लासिक पैंट्स है, तो ये जम रही है पिंक कलर की, तो मैं ये ले लूँगा इसके साथ, एंड सिर पे देख लेते हैं कुछ अगर मिल जाता है तो अपन को बांधने का, देखते हैं बंडाना वगैरह कुछ अगर होगा तो अच्छा सा ले लेंगे। तो है क्या यहाँ पे, ये रहा गाइस बंडाना है 1000 का है, मैंने बोला था बंडाना मिल जाएगा अपन को, एंड मस्त लग रहा है तो इसको ले लेता हूँ, इक्विप कर लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं, अब सबसे पहले तो अपन फ्लाई करते हैं, एंड मैं आपको लेके जाता हूँ उस वाली पोजीशन पे। तो सिंपल है, आप जैसे ही अपने घर से उड़ेंगे या फिर आप बिल्कुल रेगिस्तान के एंड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे यूएफओ दिख जाएगा, अलग ही दिख जाता है वो दूर से ही, तो उसमें दिक्कत की आपको कोई बात नहीं है। बट देखते हैं यार, इधर से आपको जाना पड़ेगा, तो उड़ते हैं अपन। यहाँ पे देख लीजिए आपको एक घड़ी वाला, जहाँ मैंने ये यूं मत समझ लेना मैं मिशन पार करने जा रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस घड़ी वाले की तरफ से अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा यूएफओ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको उड़ के। तो देखिए मैं यहाँ पे उड़ के जा रहा हूँ, और अभी देखना अलग ही नज़र आएगा, मतलब बिल्डिंगों के पीछे जैसे रेगिस्तान चालू होगा तो आप लोगों को अलग ही नज़र आ जाएगा यूएफओ वहाँ पे। तो देखिए वो दिख रहा गाइस, इतना बड़ा यूएफओ वो रहा, देखिए दिख रहा ना सबसे अलग। तो गाइस आज अपन इसी यूएफओ पे जाने वाले हैं, एंड देखेंगे कि क्या है भाई, क्या कर सकते हैं, इस यूएफओ का जुगाड़ क्या है, जो भी है पता लगाते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे है एक हाउस इस तरीके का, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने है, चर्च लग रहा है गाइस मेरे को, क्योंकि इस पर देखिए क्रॉसेस लगे हुए हैं, एंड इस पर 3 क्रॉस लगे हुए हैं। और गाइज ये चर्च नहीं है क्योंकि बाहर कब्र है, यानी कि क्या बोलते हैं भाई, जहाँ पे ये ईसाइयों को शायद दफनाते वगैरह होंगे, तो जो भी है ये उसी तरीके का है। और देखो वो दोनों कारें आप देख सकते हो वो आ गई है नीचे, तो इन कारों के पास जाने की मैं कोशिश करता हूँ कि ये कार क्या करेगी। तो देखते हैं अभी अपन, एक ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट वो खड़ा हुआ, और गाइस इस ट्रांसफॉर्मर्स ने मेरे पे लेज़र अटैक करना शुरू कर दिया है, एंड इसके लेज़र आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। एक ब्लू गाड़ी घूम रही है, तो चलिए आ गए हैं गाइस, ये है पूरी स्पेसशिप। तो देखता हूँ इसको पास से सबसे पहले कि क्या इसमें कहीं अंदर जाने की जगह है। तो इधर वाली साइड तो कोई भी जगह नहीं है भाई, कोई भी जगह नहीं है अंदर जाने की इसमें, तो अभी तक मेरे को एक भी गैप नहीं दिखा है। तो मेरी गोलियां ख़त्म हो गई है गाइस, सबसे दिक्कत की बात ये हो गई है, तो मैं जो है अपनी गोलियां बाई कर लेता हूँ ताकि मैं इन लोगों को तो मार सकूँ। तो वेपन मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई, इनके डैमेज ही नहीं होता है इनके बिल्कुल भी। देखते हैं फिर भी क्या जुगाड़ निकलता है, अभी बहुत महंगा है, मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने, तो कैसे मारूंगा इसको, यूजी से भी कैसे मारूंगा इनका, तो कुछ नहीं होना। देखो गाइज, ओ गाइज देखो ये कार है, ये भी रोबोट थी, और देखिए उसने मेरे पर अटैक चालू कर दिया है, मेरी हेल्थ देख सकते हैं आप कितनी जल्दी जा रही है। तो वो कार भी है जो रोबोट ही है वो ट्रांसफॉर्मर्स वाला। ये देखो मैं अभी इस यूएफओ पे हूँ, इसमें तार वगैरह सब है, बस अंदर जाने की जगह नहीं है। तो ये रहा ये रोबोट यहाँ पे खड़ा हुआ, तो देखिए मैं इसके यूजी मार रहा हूँ गाइस, पर इसके बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है यूजी से, तो मेरे को जो है एक तगड़ी गन लेनी ही पड़ेगी यहाँ पे, और फिर अपन देखते हैं कि क्या जुगाड़ निकलता है, क्या हम इनको मार पाएंगे या कुछ भी है। तो पहले तो यूजी की मैं पूरी गोलियां बर्बाद कर देता हूँ कि थोड़ा डैमेज और हो जाए उसके, टकरा तो रही है गोलियां, लग भी रही है जैसा कि आप देख सकते हो, उसके टकराती है तब अलग से ही दिखता है वहाँ पे, बट मरेगा नहीं, तो मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे ताकि अपन जो है इसको मार सकें। तो देखते हैं अभी क्या जुगाड़ निकलता है। तो भाई मैं ना ये वाली गन लेने की सोच रहा हूँ जो 4th नंबर पे मेरे को दिख रही है, क्या नाम है इस वाली गन का, लेज़र राइफल गाइस, 45,000 की है ये। तो एक काम करते हैं, मैं अपने डायमंड बेच देता हूँ, एंड डायमंड बेच के पैसे कर लेता हूँ। तो डायमंड बेच के पैसे कैसे करना है गाइस, देखो डायमंड पे हम जाएंगे और नीचे उसके पैसे आएंगे, उस पे हम क्लिक करेंगे, आप बाय बाय पर क्लिक करेंगे तो देखो 100 डायमंड इज इक्वल टू 8,000 रुपये। तो अब मेरे ख्याल से हमारे पास हो गए 45,000 रुपये, और मैंने और बेच दी डायमंड, तो 53,000 रुपये हमारे पास हो गए हैं। अब हम ले लेंगे 45,000 की तो गन,
जो कि हमारे पास वो वाली लूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है बाकी की गन है। तो ये लेज़र गन हम बाय कर लेंगे गाइस, फोर्थ नंबर पे मैं इसको लगा देता हूँ, पर ये फोर्थ नंबर पे नहीं लगेगी तो लगा दिए मैंने जहाँ भी लगी भाई। और इसको चलाने के लिए बैटरी चाहिए होगी, तो गाइस मैंने बाकी जितने भी मेरे पास मनी था उसकी बैटरी खरीद ली है। तो चलो अब मारते हैं इस वाले ट्रांसफॉर्मर रोबोट को, तो अब जाएगा ये भाई। सबसे पहले इसको नीचे वाले को मारता हूँ, और धुआं निकलाया और बूम, मैंने मार डाला ट्रांसफॉर्मर्स को। अब मारूंगा दूसरे को, बूम, ओ भाई बहुत सारे पड़ेगी इसके। आजा आजा, ये गया गाइस, एंड हमारा अचीवमेंट कंप्लीट हो गया भाई। अचीवमेंट बीच में ही गॉड लाइक अचीवमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। और ये हमने दूसरे वाले ट्रांसफॉर्मर्स को भी मार दिया है, बट पता नहीं ये गोलियां कौन चला रहा है भाई, इधर से कौन है ये। ओ एक और ट्रांसफॉर्मर्स आ रहा है गाइस, और वो गायब हो गया आता। तो ये स्पेसशिप आप देख सकते हो, और गाइस ये तो गलत बात है। ओह मेरे को मारने के चक्कर में पानी में ही गया वो, तो गाइस ये तो गलत बात है। तो रीस्पॉन हो रहे हैं, मरे ही नहीं ये। देखो ये रेड गाड़ी वापस आ गई, अभी तो हमने मारा ही है रेड वाले को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, इस UFO में कहीं से भी जगह नहीं है। अब मैं नीचे से दिखा देता हूँ आपको, आप सोच रहे होंगे कि नीचे से जगह, तो देख सकते हो नीचे से भी गाइस ये पूरी तरीके से बंद है, कहीं भी जगह नहीं है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यार मेरी क्यूरियोसिटी थी, मुझे जानना था कि इसके अंदर हम जा सकते हैं या नहीं। स्किल पॉइंट गाइस हमें 3 मिले हैं, तो मैं तीनों स्किल पॉइंट्स लगा लेता हूँ अपने, और अभी भी हमारे पास 2 स्किल पॉइंट्स बचे हुए हैं। पहले देख लेते हैं, थोड़ी दूर चला जाता हूँ मैं, क्योंकि वो देखो वापस से ब्लू कार आ गई। अब हम चाहेंगे गाइस इसके पास, ये हाथ क्यों हिला रहा है भाई, हाथ क्यों हिला रहा है ये वाला रोबोट, ये अलग है रेड कलर का। देखता हूँ इसके पास जाके क्या होता है। तो गाइस मैंने इसको मारा और इसने मेरे पे वापस से जो है अटैक चालू कर दिया। उसको मारते हैं गाइस अपन, देखते हैं। तो गाइस इस पर मैंने पूरी लेज़र मार दी है, यानी कि गाइस ये वाला जो रोबोट है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वाले रोबोट को आप मार नहीं सकते हो। देखो मैंने इस पर पूरा 2 स्प्रे डाल दिया, देखो लेज़र का, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने उस पर पूरा 2 लेज़र्स का स्प्रे डाल दिया, बट उसको हम मार नहीं पाए। तो गाइस ये हमने स्किल पॉइंट लगा लिए हैं। तो यही था आज के मिशन वीडियो में, एंड अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया, मिशन वीडियो तो था नहीं, घूमने का वीडियो था, तो लाइक करने का, एंड अगर आप नए हो हिंदी गेमर यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करने का, भाई को सपोर्ट करने का, सपोर्ट दिखाने का। आप जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो ये देख सकते हो आप, ये रोबोट अभी मेरे को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके ज़्यादा पास आप जाएंगे तो ये अटैक कर देंगे। इनके ज़्यादा पास आपको जाना नहीं है गलती करके भी। ये देखो मैं पास में आया और इसने मेरे को लेज़र से मारना चालू कर दिया, तो उनको शरीफ ना समझे, ये हाथ हिला रहे हैं इसलिए। और हमने देख लिया सारी चीज़ें, मैंने यहाँ पे कर लिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर, एंड बताइए किसने ये वीडियो एंड तक देखा। और देखो मैं अंदर चला गया ग्लिच करके, ये ग्लिच से मैं गया हूँ अंदर, और आप देख सकते हो स्पेसशिप के अंदर इन लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, यानी कि आप नहीं जा सकते हो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।